हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टडी। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे थंकेबल के मदद से फ्री SMS सेंडर ऐप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान एक तरीका मैं बताऊंगा जहां से आप थंकेबल के मदद से फ्री SMS सेंडर ऐप बना सकते हैं, और इसके मदद से आपके यूज़र जो ऐप इस्तेमाल करेगा वो फ्री में आपके ऐप से दूसरे कोई अपने फ्रेंड्स को फ्री SMS भेज सकते हैं। तो पहले मैं ऐप क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका AIA फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसके मॉडिफाई करके बहुत ही अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा ऐप बनाइए, और इस यहाँ पर ऐड लगाइए और यहाँ से अर्निंग करिए। और इस ऐप को आप एपी बिल्डर और मैक्रॉइड में भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं सिंपल सा एक ऐप बना रहा हूँ, उसके पहले मैं बता देता हूँ, नीचे एक दिया हुआ लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। तो मेरे एक यहाँ पर जो फास्ट SMS में मेरे एक ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं वहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। आप नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके साइन अप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर से मेरे देखिए बैलेंस है ₹4.60। और आप अगर नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करेंगे तो आप पाएंगे ₹5 बोनस। और यहाँ पर से अपने लिए कस्टम जो सेंडर आईडी है, देखिए बाल के समय के लिए कस्टम सेंडर आईडी भी यहाँ पर से खरीद सकते हैं आप सिर्फ ₹10 में। सेंडर आईडी मेरे भी एक था लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, एक महीने के लिए ₹10। और ये बहुत ही चीप है। और देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया जो बात है, इनवाइट एंड आन, इस लिंक को इनवाइट करके आपको फ्रेंड को दे दीजिए, और वो जब इस लिंक को क्लिक करेगा रजिस्टर करके इस फास्ट SMS को यूज़ करेगा तो आप दोनों ही ₹5 एक्स्ट्रा बोनस पाएंगे। तो आपको देखिए, पहले मेरे जो लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर करें तो ₹5 आप पाएंगे, और यहाँ पर आपको दोस्त को भी ये लिंक देकर आप और भी ₹5 पाए, मतलब ₹10 हो गया। अभी ₹10 से आप अपने लिए एक सेंडर आईडी खरीद सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और एक फ्रेंड को आप इनवाइट करिए और एक ₹5 पाए। देखिए बाल के समय फ्री नहीं होता है, 30 या 40 पैसे लगता है सेंड होने में, तो ₹5 रहेगा आपके पास, तो ₹5 से वो आपका बैलेंस डिडक्ट होगा। तो कस्टम जो सेंडर आईडी खरीदने का एक ही मकसद है कि ऐप का नाम रखे तो टेक स्टडी। तो टेक स्टडी के लिए आप अपने खुद के लिए एक सेंडर आईडी खरीदिए, जैसे कि DV टेक स्टडी ऐसे ही। तो इस तरह के सेंडर आईडी आप देंगे तो जो यूज़र दूसरे कोई फ्रेंड को सेंड कर रहा है तो उसे पता चलेगा कि ये जो SMS आया है फ्री SMS, तो ये इस ऐप से आया है, तो मुझे ये ऐप डाउनलोड करना है फ्री SMS सेंड करने के लिए। तो आप सेंडर आईडी इसीलिए ही खरीद सकते हैं। तो अभी देखिए, मैं सिर्फ फर्स्ट SMS का कस्टम आईडी मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास सेंडर आईडी नहीं है, ख़त्म हो चुका है 1 महीने पहले। तो देखिए फर्स्ट SMS में आइए, और यहाँ पर जो डेव API है, डेवलपर API, वहाँ पर जाइए, और डेवलपर API में जाकर आपको एक API ऑथेंटिकेशन की मिलेंगे, ये जो API ऑथेंटिकेशन की, इसको आपको बस कॉपी करना है। देख लीजिए API ऑथराइजेशन की है, यहाँ पर है, इसको आप बाद में लागेगा। तो उसके पहले टू रीड API डॉक्यूमेंटेशन क्लिक हियर में क्लिक करें। बस आप नीचे आइए, मैं जो बताऊँगा वहाँ से आप वो कोड सिर्फ कॉपी करेंगे, ठीक है। कि ये जो API है HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पर देखिए ये जो API है इसको आपको कॉपी करना है फुल, लेकिन अभी नहीं, तो ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको छोटा सा एक मैं जो लेआउट है वो उसे बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए टाइटल को मैं इनविजिबल कर देता हूँ, और यहाँ पर एक मैं नॉल टेक्स्ट बॉक्स दे रहा हूँ, और हिंट में मैं दे रहा हूँ इंटर योर मोबाइल नंबर।
ये देना ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से कौन कौन सा नंबर से जा रहा है इसमें, ये जानना ज़रूरी है। तभी जिसको सेंड हुआ है वो सोचेगा कि कहाँ से आया है, ठीक है। इसलिए जब जा रहा है SMS वहाँ पर रहेगा कि कहाँ से आया है। तो उसके नीचे और एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसके पहले एक लेवल छोटा सा ले लीजिए थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। हाइट को 2% कर दे रहा हूँ और यहाँ पर दे दीजिए 2, मतलब कहाँ पर जाएगा। उसके नीचे थोड़ा और एक लेवल छोटा सा स्पेस बनाने के लिए। उसके नीचे होगा एक टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा बड़ा, तो हाइट को मैं 20% करते रहा हूँ और यहाँ पर रहेगा एंटर योर मैसेज। और ब्रैकेट में रहेगा मैक्सिमम कितना मैसेज वो भेज सकता है, ठीक है। मैक्सिमम तो यहाँ पर आप फर्स्ट SMS में जाकर देख सकते हैं मैक्सिमम कितना SMS भेज सकता है। तो मैं यू ही दे रहा हूँ मैक्सिमम 100 कैरेक्टर, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान में रहे कि 10 कैरेक्टर मोबाइल नंबर के लिए छोड़ देना। अगर फर्स्ट ऐसे में 110 कैरेक्टर को सपोर्ट कर सकता है तो 10 कैरेक्टर को अब छोड़ देना, क्योंकि मोबाइल नंबर भी दे देना है, ठीक है। इसीलिए 110 होगा तो 100 ही देना, 120 होगा तो 110 देना, ठीक है। और इसके नीचे लेवल ले लीजिए छोटा सा और यहाँ पर एक बटन दे दीजिए सेंड बटन। और एक नोटिफाई ले रहा हूँ कुछ नोटिफिकेशन देने के लिए, और वेब व्यूअर लेना पड़ेगा, ठीक है। बस ये हो गया। अभी ब्लॉक्स की बारी, लेकिन ब्लॉक्स के क्रिएट करने के पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसको मैं नाम दे रहा हूँ, और वेब व्यूअर को आप इनविजिबल कर दीजिए, ठीक है। इस पर 1 को मैं नाम दे रहा हूँ सेंडर नंबर। बस अभी ब्लॉक्स में जाइए और दे दीजिए व्हेन बटन 1 क्लिक डू इफ देन एल्स, लॉजिक ले लीजिए, इसको ले लीजिए और ये लीजिए एंड और इक्वल टू वाला साइन, एंड को यहाँ पर दे दीजिए इक्वल टू वाला साइन इसको और उसके डुप्लीकेट करके यहाँ पर। इफ सेंडर मोबाइल टेक्स्ट लेंथ नॉट इक्वल टू 10 एंड इसका भी सेम होगा, देन और एक इफ देन एल्स ले लीजिए लेस देन और इक्वल टू ले लीजिए और यहाँ पर से लेंथ मैसेज टेक्स्ट तो 100 दे दीजिए, मतलब 100 के इक्वल हो सकता है और 100 से कम होगा तभी सेंड होगा मैसेज। एल्स दे दीजिए, यहाँ पर भी आप एल्स दे दीजिए, देन क्या होगा वेब व्यूअर को कॉल करेगा गो टू URL, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए
नहीं नहीं ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन, ठीक है। तो ज्वाइन को लेने के बाद ऐसे ही जो स्ट्रिंग है सात आठ दे दीजिए, ज्वाइन हो गया। अभी क्या करना होगा, फर्स्ट एसएमएस में एक ही एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाइए और इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, पूरा नहीं, मैसेज इक्वल टू यही कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, जैसे कॉपी कर लीजिए और पहले एक एम्प्टी बॉक्स ले लीजिए और डुप्लीकेट करके सबको दे दीजिए। एक बार पेस्ट कर दीजिए और देखिए सेंडर आईडी एफएसटी एसएमएस ही रहेगा। अगर आपका सेंडर आईडी कोई भी है तो यहाँ पर दे दीजिए, सेंडर आईडी को चेंज कर दिए, 6 वाट का सेंडर आईडी होता है, आप खरीदे, वही सबसे बढ़िया तरीका है। और यहाँ पर एपीआई की जो होगा, यहाँ पर देखिए डेवलपर एपीआई में जो एपीआई की होगा, यहाँ पर से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए एपीआई की, सॉरी जो ऑथराइजेशन की है यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। अभी देखिए मैसेज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, पहले इस बॉक्स को आप हटा दीजिए और यहाँ पर से मोबाइल नंबर जो सेंडर मोबाइल नंबर है उसको आप ले लीजिए, सेंडर मोबाइल नंबर टेक्स्ट, ठीक है। मतलब मैसेज को पहले रहेगा जो सेंडर का फोन नंबर है वो फ़ोन नंबर, उसके बाद रहेगा ये एक साइन, ठीक है। सेंडर का फ़ोन नंबर मान लीजिए 1234 56, तो 1234 56 के बाद ये रहेगा, उसके बाद एक छोड़ दीजिए एक बॉक्स स्पेस के लिए, और उसके बाद होगा असली मैसेज, असली मैसेज जो है मैसेज को, तो मैसेज टेक्स्ट इसको दे दीजिए यहाँ पर और उसके बाद वो कॉपी करिए। अभी हम लोग कॉपी किया था मैसेज था, अभी एन लैंग्वेज यहाँ से कॉपी करिए, एन लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश एंड रूट इक्वल टू पी एंड मोबाइल एंड नंबर, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। नंबर्स, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर के लिए 2 का जो नंबर, मतलब जहाँ पर जाएगा यहाँ पर नंबर देना है, तो 2 नंबर मैंने नाम दिया था, उसका टेक्स्ट यहाँ पर, सॉरी। इसको क्रिएट करने से पहले आपको डिज़ाइनर में जाके यहाँ पर जो सेंडर मैसेज है या 2 में नंबर है, सेंडर नंबर और 2 नंबर, इसको आप नंबर ओनली कर दीजिए, ठीक है, नंबर ओनली। और तो नंबर हो गया, अभी क्या करना होगा, देखिए एन फ्लैश है, फ्लैश इक्वल टू 1, और आप यहाँ पर देखिए सभी कुछ ट्रू है, मतलब रिक्वायर्ड है, लेकिन फ्लैश रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए आपको फ्लैश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इस ये है, अभी इसको डिलीट कर देता हूँ ये, और स्ट्रिंग को मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये हो गया। अभी एसएमएस ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है, सेंड में क्लिक करेगा तो। अगर एसएमएस का लेंथ 100 से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, नोटिफायर 1 को आप जो सो अलर्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक जो था सेंडर आईडी का 10 होगा और मोबाइल नंबर का 10 होगा, 10 नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक नोटिफायर देगा और प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, इस तरह से दे दीजिए। और यहाँ पर देखिए जब एसएमएस सेंड हो जाएगा तभी यहाँ पर भी एक डुप्लीकेट कर दीजिए और यहाँ पर दे दीजिए सेंड सक्सेसफुल। शायद ये हो गया, अभी तो कुछ नहीं है। तो ये है
तो आपने देखा कि कैसे भी SMS सेंडर की ऐप बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसमें भी दबा देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हफ्ते में 2 बार लाते रहता हूँ। थंकेबल, मिक्रोइट और एपी बिल्डर के बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं लाया हूँ ऑलरेडी और ला रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।